हेलो एवरीवन, आज है जन्माष्टमी और आप सबको पता है कि हमारे घर पे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं और सब लोगों का बर्थडे साल में एक बार आता है, लेकिन हमारे काना जी हैं जिनका बर्थडे साल में दो बार आता है, क्योंकि 15 अगस्त को हमारे घर आए थे काना जी। हम ये नहीं बोल सकते कि हम लेके आए थे, क्योंकि ये तो उनका भगवान का आशीर्वाद है कि भगवान ने हमें मौका दिया उनकी सेवा करने का। तो 15 अगस्त को वो हमारे घर आए थे, इसलिए हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और आज जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी पे सारी दुनिया उनका बर्थडे सेलिब्रेट करती है, तो इसलिए आज हम जन्माष्टमी मनाने वाले हैं। तो मैंने सोचा आपको भी दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या तैयारी करी है। तो लेट्स गो फैमिली। हमने आज जन्माष्टमी के लिए सेटअप थोड़ा चेंज करा है। मंदिर में सेटअप नहीं लगाने वाले, क्योंकि मंदिर में थोड़ा गर्मी है और हमारे काना जी को आदत है एसी में रहने की, तो इसलिए आज सेटअप हम यहाँ पे करने वाले हैं। और मैं लेके आई हूँ बैलून और ये लड़ियाँ। तो सबसे पहले हम ये डेकोरेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि काना जी के लिए हम क्या लेके आए हैं और हम और क्या क्या करने वाले हैं। ये छोटी छोटी लड़ियाँ जो है उनको घुमा के मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ। मम्मी ने कर दी है प्रॉपर डेकोरेशन भाई साहब, क्या ओहो, काना जी बड़े खुश होने वाले हैं आज। क्या कहते हो मम्मी, हाउ डू यू लाइक इट? जैसे तुम कहते हो कि कुछ हमारे लिए स्पेशल करो, वैसे काना जी भी कह रहे हैं। ये हम काना जी का नया झूला लेके आए हैं। झूला तो उनके पास पहले भी था, लेकिन मार्केट गए शॉपिंग करने इनके लिए, तो हमें ये अच्छा लगा तो हम ये ले आए। अब इस पे ये मेरे पास एक लाइट है, तो साइड्स पे मैं इसके लाइट लगा रही हूँ। लाइट हमने पूरे झूले पे लगा दी और इसको मैंने पीछे से जला भी दिया है। ये येलो कलर है तो लाइट इसकी थोड़ी कम है। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ काना जी के लिए 56 भोग, छोटू से हैं और हम इनको 56 भोग लगाने वाले हैं। तो जन्माष्टमी पे जो भोग लगता है सबसे मेन होता है धनिये का प्रसाद, तो वो बना लेते हैं फटाफट। सब कुछ हमने ग्राइंड कर लिया, धनिया भी और ये सारे ड्राई फ्रूट्स। अब घी डाल के धनिये को घी में भूनना है। अब घी में अच्छे से भून लेंगे हम, और इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि हमने पहले ही इसको भून लिया था। ऑलमोस्ट भुन गया है हमारा धनिया। अब पिसी हुई चीनी और ये सारा ड्राई फ्रूट। इसमें मैंने ये कद्दूकस किया हुआ कोकोनट भी डाला है। बस सारा मिक्स कर लेते हैं और हो गया हमारा धनिया का प्रसाद रेडी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये मेरे पास एक टोकरी है और ये मैंने फ्रूट लिया, बहुत सारा फ्रूट लिया हुआ है। और ये हमारे पास है फ्लावर्स, बहुत तरह के फ्लावर्स लेके आई थी मैं। और ये जो हमारे छोटू से काना जी हैं, हम इनको इस बास्केट में ये फ्रूट्स और ये फ्लावर्स लगा के काना जी को इसमें सुला देंगे, फिर जब 12 बजेंगे तो इनका जन्म कराएंगे। तो सबसे पहले हम टोकरी में ये रोज पेटल्स मैंने लिए हैं, ये लगा देते हैं, अच्छे से बिछा देंगे ताकि काना जी को कंफर्टेबल लगे। सारे रोज पेटल्स मैंने लगा दिए। और एक बात और, जैसे हर पूजा में तुलसी का पत्ता जरूरी होता है, तो जन्माष्टमी पे जो भोग होता है वो खीरे के बिना कहते हैं अधूरा होता है, तो खीरा जरूरी होना चाहिए। ये साइड्स पे हम खीरा लगा देते हैं और बीच में सारे फ्रूट्स रख देंगे, और फ्रूट्स और फलों में हम काना जी का जन्म करवाएंगे। अब काना जी को इसमें लिटा देते हैं, सारे कपड़े इनके निकाल देंगे और जब 12 बजेंगे फिर इनको तैयार करेंगे। जब
बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल नंगा होता है ना, तो इनको भी हम सारे कपड़े इनके उतार देंगे। और अब इनको हम फूलों से ढक देते हैं। अब ये टोकरी हम मंदिर में रख देते हैं और 12 बजे इनको उठाएंगे। पंचामृत भी बना लेते हैं जिससे हम कान्हा जी को नहलाने वाले हैं, तो उसके लिए कच्चा दूध, दही, शहद, शहद ना डालो तो आप शक्कर भी डाल सकते हो, देसी घी और साथ में गंगा जल, सबको मिक्स कर देते हैं। पंचामृत हमारा तैयार हो गया, इसमें एक तुलसी का पत्ता डाल देते हैं। ये हमारा प्रसाद भी रेडी है, इसमें केला काट देते हैं और साथ में खीरा। A few moments later, 12 बज गए हैं, हम कान्हा जी को उठा लेते हैं ये फूलों की टोकरी में से। ये देखो, इसमें से निकाल के अब कान्हा जी को तैयार करते हैं, फिर बैठ के हम सारे जने पूजा करेंगे। हो गए कान्हा जी रेडी, और इस बार हम ना ये बड़ी वाली बांसुरी लेके आए हैं। है तो ये छोटे से, पर इस बार हम बड़ी ले आए बांसुरी। अब इनको झूले में बिठा देते हैं। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। केक देखो क्या उम्र है एकदम। ओए होए होए कान्हा जी का केक, कान्हा जी का झूला, कान्हा जी की मटकी वाला केक की फोटो खींच पहले। आए हाय हाय, हम वीडियो बना रहे हैं मटकी वाले। और कान्हा जी के लिए गिफ्ट भी है, क्या दिखाओ। चलो फिर आओ गिफ्ट। कान्हा जी के लिए गिफ्ट है। ओह सो क्यूट। आराम से डालना। क्या तुम ये कर पाओगे? इनसे ना हो पाएगा। कोशिश तो थी पर मुश्किल है। इसके बस की नहीं है। पापा आप ही कर लो ना फिर थोड़ा सा। ये भी छोटी है इसकी वो। नहीं वो इनके हिसाब से लगाई है। अरे अगर ये कर लेना मेरा नाम बदल देना। तेरा नाम भी कर पाओगे? तेरा नाम तो ऐसे ही बदलना पड़ेगा। ये लो, ये देखो इयररिंग्स भी गए। चलो चलो इयररिंग्स पहनाने दो। गलत करा आपने। बस वो पीछे, नहीं नहीं वो पीछे करके अब ये बस सही है यार। लो खोली गई, खोली गई है। मेरी मम्मी आई है मैदान में, कह रही है मैं पहनाऊंगी कान्हा जी को। क्या लगता है ये पहना पाएंगे दोनों? यस ये लो फाइनली। अब मम्मी डिड इट। ये इयररिंग्स पहले, सबसे पहले तो नहीं, हाँ केक काटो, फिर कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग लगाओ। कान्हा जी हैप्पी बर्थडे, केक काटो अपना। तू ही काट दे अब। मैं भी तो कान्हा जी, वही तो छोटा नहीं है बड़ा कान्हा जी है तू। बिग ये वो अब उनको ना गंदा मत करी उस दिन की तरह, बस खिलाइए थोड़ा सा। बस क्यूटी पाई। चलो कोई बात नहीं, मिश्री का भोग लगा दो। चलो ये लो, ये आप लगाओ। एक बार इनमें थोड़ा हम खा ले। हाँ भाई तू पूरा खा ले। गिरा बंदा सब कुछ। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। नोनू की तरफ से भी झूला झूला दो, वो मुंबई में है पहुंचने वाला है। एंड ये हर्ष लेके आया कान्हा जी के लिए बहुत सारी मिठाई। अच्छा ये वाला भोग लगाना है पहले। कान्हा जी कौन सा खाएंगे? ये वाला। ये कौन सी मिठाई होती है? नारियल का होता है ये। ये लो भाई नारियल का भोग लगाओ कान्हा जी को। और कान्हा जी के फेवरेट भोग लाले, भोग लाले ठाकुरा। बड़ा मन करा मेरा खाने का। पहले कान्हा जी को तो खिलाओ। खिला रहे खिला रहे, हम नटखट है ना उनकी तरह। क्या बात है, अब
अब आओ ये लो प्रसाद, आओ भाई प्रेरणा जी ये लीजिए, इतना बड़ा प्रसाद नीचे बस इतना सा बहुत नहीं, ये लो थोड़ा सा। नो गाना जी मेरी तरफ से फ्लावर्स मैचिंग मैचिंग फ्लावर्स जी जो यू लुक स्मार्ट, थैंक यू, तभी तुम्हें मिलेगी काजू की बर्फी काजू कतली नहीं अब थोड़े बादाम खा, थोड़ा दिमाग तेज होगा जरा, गजब बेइज्जती है ये गाड़ी सबसे मेन प्रसाद ये है। मम्मी लेना बहुत टेस्टी आ रही, फिर रात को नहीं खाती ना, सुबह खाऊंगी। कान्हा जी को भी लगाया चरना मृत कहाँ है, ये वाली तो लगाया नहीं, पकड़ ले पकड़ो आप लोग पालन हारे निर्गुणों प्यारे तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिन हमरा कोई नहीं ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे। आज तो फुल नाइट है गाना जी, पार्टी पार्टी करनी है, हम पार्टी करेंगे, किसी के भी पप्पा से नहीं डरेंगे सारे बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, माँ के प्यार की जय, जय हो जय हो जय हो, जय हो कन्हैया लाल की जय जय जय। एक बार वो स्पॉन वाला ऐसे ऐसे कर लो ना, कैसे कैसे, हरे रामा हरे रामा रामा रामा, ये मम्मी पूरी भक्त है, हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा वो रामा रामा इसको बस खिला दो जन्माष्टमी टू एवरीवन। सबसे ज्यादा मजा मुझे फूल डालने में पता था मुझे जीजू नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे, स्माइल तो कर दो चू ची पूरी। अरे बस कर भाई, इंसानों के डैडी हेलो, राधे राधे। ओ कान्हा जी की वो देखो, कान्हा जी गेम्स खेल रहे हैं हमारे साथ, कान्हा जी कह रहे हैं मैं थक गया ये पहन पहन के, सही है उतार दो यार थक गए।